दोस्तों फिलहाल अंडर 1500 रुपीज में Realme T100 और Boat 141 Neo ये दो बेस्ट TWS है जिनको लेकर बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स है। तो आज इस वीडियो में इन दोनों को ही डिटेल में कंपेयर करेंगे, इन दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाऊंगा, साथ इनके वोकल्स, बेस, माइक क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे बोट की प्राइस 1400 रुपये है और Realme T100 आपको 1500 रुपये के मिलते हैं, लेकिन सेल में बोट 141 Neo को आप 1200-1300 तक भी परचेस कर सकते हैं। तो पिछले लगभग एक साल से Realme T100 1500 रुपये की प्राइस रेंज में नंबर वन ऑडियो क्वालिटी वाले TWS है। तो क्या अभी भी ये नंबर वन की पोजीशन डिजर्व करते हैं या फिर बोट 141 Neo फिलहाल इनसे बेटर है? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं दोनों की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। Realme T100 कॉम्पैक्ट और एग शेप डिजाइन के साथ आते हैं, वही बोट की साइज इनके कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी है लेकिन Realme से थोड़े स्लिम है। इन दोनों को आप जींस की पॉकेट वगैरह में इजीली कैरी कर सकते हो। दोनों के ही केस की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। इनके लिड के हिंजेस भी प्रॉपरली फिट है, कहीं से भी ये लूज नहीं लगते। इनकी फिनिशिंग भी प्रॉपरली की गई है, तो केस की बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगा। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन के साथ आने वाले ईयरबड्स है। बोट के स्टेम्स की लेंथ Realme से थोड़ी ज्यादा है, इस पर यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग की गई है जो दिखने में काफी प्रीमियम लगती है। इसके अलावा Realme के ईयरबड्स भी मुझे काफी सही लगे, दिखने में ये भी स्टाइलिश और प्रीमियम लगते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी इनमें आपको बेस्ट मिलेगी। दोनों ही IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो आप इन्हें नॉर्मल बारिश वगैरह में भी यूज कर सकते हो। देखो, लुक्स और डिजाइन में किसी को बोट अच्छे लग सकते हैं तो किसी को Realme। पर्सनली मुझे बोट 141 Neo थोड़े से बेटर लगे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी। तो इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। सो आप जल्दी से दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, डुअल माइक्रोफोन, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस रेजिस्टेंट, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 88 ms लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 120 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 28 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा बोट 141 Neo आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, क्वाड माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, वॉइस रेजिस्टेंट, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 60 ms लो लेटेंसी, टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 120 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 50 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो, स्पेसिफिकेशन प्राइस के हिसाब से आपको दोनों में ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन दोनों के कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स भी है। तो Realme में आपको बोट के कंपैरेटिवली बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगी, इसमें सिर्फ 2 ही माइक्रोफोन्स आते हैं और इनकी लेटेंसी भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन गूगल फास्ट पेयर, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट जिसमें आपको कस्टम इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, साथ ही फुल टच कंट्रोल्स जिससे आप वॉल्यूम को भी टच से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बोट में आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको फोन से ही करना पड़ेगा। साथ ही इसमें डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट और गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें आपको 4 माइक्रोफोन्स मिलेंगे और साथ ही 60 ms की लो लेटेंसी मिलेगी। तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए मैं इन दोनों को ही दूंगा 4 out of 5 star। इसके अलावा अगर बात करें इनकी बैटरी बैकअप की, तो 100% वॉल्यूम पर मैंने इन दोनों के ईयरबड्स को 0% बैटरी होने तक प्ले किया, तो बोट 141 Neo ऑलमोस्ट 4 hours 20 minutes तक चले और Realme में लगभग 4 hours 40 minutes तक बैटरी बैकअप मिली। तो नॉर्मली आप इन्हें मैक्सिमम 70-80% वॉल्यूम पर सुनोगे, क्योंकि ये दोनों ही काफी लाउड है, इनको आप 100% वॉल्यूम पर ज्यादा देर तक सुन नहीं पाओगे। तो अगर आप इन दोनों को 80% वॉल्यूम पर सुनते हो, तो दोनों ईयरबड्स में आपको सिंगल चार्ज में 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। अगर केस की बात करें तो बोट में 50 आवर्स की और Realme में 28 आवर्स की बैटरी बैकअप को क्लेम किया गया है, लेकिन केस के साथ बोट में आपको 40 आवर्स तक की बैटरी बैकअप मिल सकती है, साथ ही Realme में आपको 24 आवर्स तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। सो बैटरी बैकअप के लिए मैं Realme T100 को दूंगा 4 out of 5 star और बोट 141 Neo को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों के ही गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme में 88 ms और बोट में 60 ms की लेटेंसी मिलती है, तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। अगर इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी की बात करें, तो यहाँ पर बोट 141 Neo Realme से स्लाइटली बेटर है। जितनी लेटेंसी इसमें क्लेम की गई है, लगभग उतनी लेटेंसी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही Realme में 88 ms की लेटेंसी क्लेम की है, बट मुझे उससे थोड़ी सी कम लगी। लेकिन इनमें आप कॉम्पिटेटिव लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते,
कैजुअल गेमिंग आप इनमें कर सकते हो। तो गेमिंग के लिए मैं इन दोनों को ही दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी की। तो दोनों की माइक क्वालिटी को मेरे फोन के माइक्रोफोन से कंपेयर करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो मेरे फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज इसमें आती है। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, सेम मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज रिड्यूस करता है। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो रियलमी बड्स T100 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, सेम मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज रिड्यूस करता है। सो अभी आपने दोनों की माइक क्वालिटी को सुन लिया है। पर्सनली मुझे बोट की माइक क्वालिटी रियलमी से काफ़ी बेटर लगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमको 4 microphones मिलते हैं, वही रियलमी 2 microphones के साथ आते हैं। तो माइक क्वालिटी के लिए रियलमी को दूंगा 3.5 out of 5 star और बोट को दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों की मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। सो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। And I was revolving like a sun on my own. You're the universe, and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. So, दोनों में आपको क्लियर वोकल्स मिलेंगे। वोकल्स की क्लियरिटी मुझे बोट 141 नियो की थोड़ी बेटर लगी। क्रिस्टल क्लियर वोकल्स इसमें आपको सुनने को मिलते हैं, साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंटल पार्ट भी मुझे काफी बढ़िया लगा। लेकिन बेस के मामले में रियलमी काफी बेस्ट है। इनमें आपको सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के साथ बेस सुनने को मिलता है। बोट में भी आपको बेस की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन पर्सनली मुझे रियलमी का बेस काफ़ी बेटर लगा। अगर ओवरऑल म्यूजिक की बात करें तो बोट में आपको बैलेंस ऑडियो मिलेगी। इसमें आपको बोट की सिग्नेचर ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है, और सच में इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेटर है। इसके अलावा रियलमी में आपको बेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी। तो दोनों की ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो रियलमी बड्स T100 की प्राइस 1500 रुपये है और बोट 141 नियो की प्राइस 1400 रुपये है, लेकिन सेल में आप इन्हें 1300 रुपये के अंदर भी परचेस कर सकते हो। देखो, अगर आपको ऑडियो क्वालिटी और बेस से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो रियलमी T100 के साथ जा सकते हो। इनमें आपको फुल टच कंट्रोल्स, गूगल फास्ट पेयर और डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छी ऑडियो क्वालिटी, बेस्ट बैटरी लाइफ, गेमिंग परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक्स वाले ईयरबड्स लेना चाहते हो तो कम प्राइस में बोट 141 नियो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो आपको इन दोनों में से कौन से TWS अच्छे लगे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे बोट 141 नियो और रियलमी T100। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।